किसान भाई और राम राम। आज आपके लिए लेकर आए हैं भाई न्यू हॉलैंड का 5620 है और A2 सीरीज के अंदर है और भाई काफ़ी शानदार है ट्रैक्टर भी। CRDA के अंदर तुर्की का इंजन है जो इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। और भाई 3 सिलेंडर इंजन है जो इसके अंदर दिया गया है। बाकी भाई फ्रंट के अगर टायर की बात करें तो 11/224 के फ्रंट के टायर दिए गए हैं और भाई क्रॉस गियर के साथ में है। सिंगल एक्टिव इसका है, जो पावर स्टीयरिंग है वो दिया गया है। रिवर्स PTO आपको इसमें मिलेगा, फेंडर भी आगे से दिए गए हैं और यहाँ पे देखिए भाई यहाँ पे दिया गया इसका तुर्की का सिस्टम लगा हुआ है और पूरा फिटेड है भाई अंडर इसके मतलब। और भाई शो वगैरह है ना वो दूसरे जो ट्रैक्टर आते थे पहले वाले उनसे थोड़ा डिफरेंट है जो कर दिया गया है। बाकी भाई ये देख लो, ये ड्राइवर भी हुआ, वाह भैया क्या बात है, पूरा आपको ना लग्जरी फील आएगा ट्रैक्टर को चलाते हुए भी। डिजिटल मीटर दिया गया है और यहाँ पे है ना आपको इको प्लस मोड है वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये बीच में नॉर्मल मोड आ गया और इधर इको प्लस मोड आ गया, मतलब अलग अलग मोड दिए गए हैं तो उसके हिसाब से ये ट्रैक्टर है, जितना आपका काम उसी के हिसाब से ये ट्रैक्टर है जो काम करेगा, ठीक है। और ऑयल लिमिटेड ब्रेक मिलेंगे। बाकी लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 2500 kg की लिफ्ट कैपेसिटी है उसकी। देर की ऑक्सिलरी लीवर दिया गया डबल टिपिंग वॉल्व के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो भी खुला है प्लेटफॉर्म और ये शायद तक मोबाइल फ़ोन वगैरह रखने के लिए दिया गया है। चार्जर भी आपको यहाँ पे है जो देखने को मिलता है और इधर वाली साइड में IPTO क्लच है जो अलग से दे रखी है। हाई लो मीडियम के लिए गियर स्पीड है वो दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी है वो मेंशन की गई है। PTO वगैरह के लिए आप अगर इंग्लिश जानते हैं तो पढ़ सकते हैं भाई। 58 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है वो आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। इजी स्टेयरिंग व्हील है भाई पूरा कार की तरह और हीट शील्ड है वो लगी हुई है दोनों साइड में। गर्म हवा आप तक है जो नहीं पहुंचेगी भाई, ठीक है। और ड्राइवर सीट काफ़ी आरामदायक दी गई है, ठीक है, आप पूरा आनंद ले सकते हैं चलाने का। बाकी डिजिटल मीटर है इसका और इंडिकेटर है वो भाई इसके दिए गए हैं LED और असिस्ट रैम के साथ में। पिछला हिस्सा हब रिडक्शन के साथ में है। डबल टिपिंग बल्ब मिलेंगे भाई, काफ़ी मजबूत हिस्सा दिया गया पिछला। और इसकी PTO HP की बात करें ना 64 HP का PTO दिया गया है इसका, ये देख लो भाई 64 HP का PTO है। 65 horsepower का ये ट्रैक्टर है और 64 HP का इसका PTO दे रखा है, तो और क्या चाहिए भाई। साथ में ये NOP है वो देखने को मिल जाएगी और CRDA के अंदर आप बताना मुझे कमेंट करके कि क्या ये ट्रैक्टर है जो कामयाब है, न्यू हॉलैंड का TX+ 5620 है जो, क्योंकि पिछले ट्रैक्टर है वो काफ़ी बिके थे, अच्छी मात्रा में बिके थे। और ये कुछ इस प्रकार की जानकारी थी, आप मुझे कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। पिछले टायर इसके 16/930 के देखे हैं और फ्रंट के टायर की बात करें तो 11/224 के देखे और फ्रंट में आपको ना वेट भी मिलता है, राम राम जी, ठीक है, फ्रंट में आपको वेट है वो भी मिलेगा। तो दब के शेयर कर देना वीडियो को, पेज को फॉलो कर लेना भाई।